जब आपको इतना बड़ा फेस बनाना है तो उस टाइम आपको क्या करना है? बड़ा साइज का ड्राइंग आप बना सकते, ग्रिड बना के भी बना सकते, लेकिन टाइम भी कम है, जल्दी बनाना भी है। इसीलिए मैंने इसको फ्लेक्स प्रिंट कर लिया सेम साइज का, और इसको इंप्रेशन बना रहा हूं स्टेंसिल प्रोसेस में। पूरा ड्राइंग बनाने का बाद मैं फ्लेक्स को उठा देता हूं और देखिए यहां पे इंप्रेशन बन गया। ड्राइंग बनाने का बाद ही आपका काम हो गया ऐसा मत सोचिए। यहां पे 3 इंच 4 इंच मैक्सिमम आप रिलीफ रख सकते, इसका अंदर ही आपको अप्स एंड डाउन्स बना के ये वॉल्यूम क्रिएट करना है। जब लार्ज साइज फेस हो जाता है, बहुत बड़ा फेस होता है, तो उस टाइम आपको कंट्रोल करना, फेस को मैच करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए ध्यान से स्टेप बाय स्टेप लाइन को फॉलो करके मिट्टी को लगाइए। पहले मिट्टी का ड्राइंग बना लीजिए, एक प्रकार का ये मिट्टी का ड्राइंग। उसके बाद आप धीरे 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 पूरा फिगर फेस को देखिए और अप्स एंड डाउन्स क्रिएट कीजिए। लंबा लंबा करके मैंने कॉयल टाइप का बना के मिट्टी को ये बालों का हिस्सा में है ना, इस लाइन पे मैं यूज कर रहा हूं। इसको रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, एक एक पीस मोल्ड करके, पीओपी मोल्ड करके फाइबर कास्टिंग करेंगे। मैं कोशिश किया ये एक दिन में बनाऊंगा, मतलब आप सोचिए 80% काम एक दिन में कंप्लीट करना चाहिए, नहीं तो ये बड़ा साइज है, वेदर भी बहुत टाफ होने वाला है, तो देखते बाकी जो फिनिशिंग है करते रहेंगे। जब बड़ा साइज काम करेंगे ना, एक बात आप ध्यान में रखिए, प्लाई का ऊपर जो मिट्टी का स्लैब मैं बनाया ये थोड़ा सा थिकनेस मोटा रखे, मतलब जैसा छोटा म्यूरल पे 1/2 इंच हम लोग बराबर लेते थिकनेस, यहाँ पे आप 1 इंच रख सकते, क्योंकि ये देखिए साइड में क्रैक होना शुरू हो जाता है, तो ये ज़्यादा पतला करेंगे तो ये जल्दी क्रैक होना शुरू हो जाता है, काम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे मिट्टी लगाने का बाद फिनिशिंग में जाइए, सरफेस को एक लेवल पे लेकर आइए, जहाँ पे मिट्टी ऐड करना है वहाँ पे मिट्टी ऐड कीजिए, जैसा नोज है, गालों का साइड में वॉल्यूम क्रिएट करना है तो उस हिसाब से आप वॉल्यूम क्रिएट कीजिए, मिट्टी ऐड कीजिए और सरफेस को एक लेवल पर लेकर आइए। इस टाइप का छोटा फेस भी मैं बनाया था, उसका भी वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर देख सकते, लेकिन छोटा फेस बनाना और इतना बड़ा साइज कोई फेस बनाना बहुत डिफरेंस है, आपको ये बहुत दूर से देखना पड़ेगा और इसको जो करेक्शन है ये ठीक करना है। मेरा चैनल पर अभी तक जो फ्रेंड नया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और साइड में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा के रखिए, ताकि आर्ट रिलेटेड, आर्ट टेक्निक रिलेटेड जितना भी वीडियोस है जो अपलोड होगा तुरंत आपका पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।
जो डिटेल एरिया है उसमें ध्यान से काम कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। ये मिट्टी का काम कंप्लीट करके पीओपी मोल्ड, फाइबर कास्टिंग, पूरा पेंटिंग कंप्लीट आप लोगों को इसी वीडियो में दिखाएंगे। सर लिटा के मतलब अभी वेट है तो अभी लिटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो अभी ऐसा करके यहाँ पे मोल्ड लेंगे, पीओपी मोल्ड होगा और ये फाइबर कास्टिंग होगा। तो पूरा प्रोसेस आप लोगों को दिखाता हूँ। तो केरोसिन स्प्रे कर दिया यहाँ पे, अभी सिर्फ पीओपी लगाना है। ये नारियल जूट है और अच्छा क्वालिटी का पीओपी ले लीजिए, क्योंकि गुड क्वालिटी होगा तो आप पतला करके थिकनेस बना के भी आप पीओपी मोल्ड ले सकते हैं। चलिए आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ, थोड़ा सा गहरा करते, और नहीं तो क्या पूरा पतला करेंगे तो आप गिर जाएगा पूरा के पूरा। ये फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर करके आप थर्ड लेयर में मैटिंग लेयर करके पूरा कंप्लीट देख लीजिए। मैं दूसरा वीडियो में भी अपलोड कर दिया ये मोल्डिंग प्रोसेस, यहाँ पर ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ। मोल्ड रिलीज होने का बाद ये फाइबर कास्टिंग, फाइबर कास्टिंग भी कंप्लीट हो गया, फाइबर रिलीज हो रहा है। ये देखिए पीश, ये हो गया आपका कास्टिंग रेडी। अभी के इसको साफ सुथरा करना है। ये है वेस्ट मोल्ड, इसको तोड़ देते। एक पीस के लिए एक ही पीस मोल्ड होता है और ये मोल्ड बेकार हो जाता है, मिट्टी भी बेकार हो गया, मिट्टी को भी फिर से वापस रीयूज के लिए रख दिया पॉलिथीन पे। तो ये हो गया मोल्ड आपका बेकार, आपका पास रह गया सिर्फ फाइबर फिश। अभी पेंट करना है, प्राइमर कर लीजिए, नॉर्मल जो सीमेंट बेस प्राइमर है उसको करने का बाद ये भी एक्सटीरियर पेंट जो होता है एक्रेलिक बेस, ये पेंट आप बेस कलर का हिसाब से कर लीजिए। अब ये मेटेलिक है, ये वाटर बेस ही है, जो मेटेलिक फिनिश है मेटेलिक, ये ब्रास का हिसाब से बहुत अच्छा लुक देता है। तो फ्रेंड आप लोग देखिए मेरा चैनल पर जितना भी अपलोडेड वीडियोस है, प्लीज़ देखते रहिए, साथ में रहिए। थैंक यू।